ढूंढ रहे हैं बायोस्कोप से, हम लोगों को एनडीए नजर नहीं आ रहा पूरे बिहार में कहाँ पे एनडीए है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में आकर कैंप करना चालू कर दिया। इस बात से निश्चित तौर पे हम लोग स्वस्थ हैं कि बिहार में एनडीए का खाता कहीं नहीं खुल रहा है, क्योंकि अगर एनडीए अगर यहाँ पे बढ़त बनाता तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में आके कैंप नहीं करता, बिहार में आके कैंप नहीं करता। इस बात से हमें साबित है। और देखिए ना, जाति समीकरण के हिसाब से बिहार में और यूपी में खास करके जाति समीकरण पे चुनाव होता है, और यहाँ पे जाति समीकरण आप देखिएगा बिहार में तो हर जाति धर्म के लोग, जितने भी बड़े नेता बिहार के हैं, जीतन राम मांझी एक समुदाय को लीड करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी एक समाज को लीड करते हैं, सनत मल्ला मुकेश सहनी एक समाज को लीड करते हैं, हमारे लालू जी एक समाज को लीड करते हैं, क्या पूरे बिहार को लीड करते हैं, तो हर जाति धर्म के लोग हमारे गठबंधन में है। और आप देख लीजिए एक तरफ एनडीए के साथ कौन है, उनके पास वोट आधार क्या है, किस समाज के है, तो निश्चित तौर पर हमारे पास 72% वोट बैंक के साथ हम लोग मैदान में है, और जीत के लिए 51% इनफ है, और हम 72% है, अगले के पास 28% वोट बैंक है, तो इससे अंदाजा मिल रहा है कि हम लोग बिहार में मैक्सिमम सीट हम 40 का दावा नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम एक आध कम हो सकता है कहीं पे, लेकिन हम मैक्सिमम सीट हम लोग बिहार में चुनाव जीत रहे। शायद एक दो आधा सीट कहीं पे हम लोग कहीं पे मिस कैलकुलेशन के कारण आगे पीछे होगा तो होगा, नहीं तो हम बिहार में मैक्सिमम सीट जीत। 2014 में किस विजन से आए, आपने कहा कि लोग हर रोज युवा को रोजगार देंगे, 2 करोड़ पर साल रोजगार देंगे, आप स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसान को आय दुगुना करेंगे। आपने 2014 में जितना भी घोषणा किया उसमें से 1% भी क्या बोल रहे हैं आप, हिंदू शमशान आप कुछ भी आप बोलते जा रहे हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप खास हिंदुत्व की बात करते हैं, भाई हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं उसमें कोई किंतु, लेकिन हमें भी भोजन चाहिए, हमें भी कपड़ा चाहिए, हमें भी घर चाहिए, लेकिन वो आप कब देंगे? हम सिर्फ हिंदू रहने से हम भूखे रह जाएंगे तो कितना दिन तक टिके रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, उससे ज्यादा दिन तो नहीं। तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं उस पर आप नहीं, मुद्दा की बात नहीं कर रहे, आप देश को लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और देश के लोग आज 135 करोड़ देश के लोग हैं और समझदार हैं, और मोदी जी के भाषण में और मोदी जी के बात से नहीं चलने वाले और न ही गुमराह होने वाला है। 5 साल हम लोगों ने उनको मौका दिया, मैं भी उस मौका देने में मैं भी एक सहयोगी था, जीतन राम मांझी जी थे, उपेंद्र कुशवाहा जी थे, लेकिन हमने देख लिया कि ये मोदी जी सिर्फ बात करते हैं और विकास का नाम कहीं पे नहीं है। जो हमारा एक व्यक्ति के ऊपर 30,000 का कर्ज था वो आप बढ़ा के 64,000 रुपया कर दिए 4 साल में, आपने क्या विकास किया? हर व्यक्ति को 135 करोड़ लोगों के ऊपर आपने 35,000 रुपया 4 साल में कर्ज आपने ला दिया, और आपने क्या किया, 5.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 15 आदमी को आपने लोन माफ कर दिया, आप बड़े बड़े उद्योगपति को आपने बेनिफिट दे दिया, आपने जनता को के लिए क्या किया? तो कहीं ना कहीं मोदी जी हर मामले में फेलियर है, और इस बार देश की जनता उसको माफ नहीं करेगा, सीधा बाहर निकाल देंगे।